गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर रीडिंग चैप्टर 3 इन कंप्यूटर, वर्क विद कंप्यूटर्स, स्विचिंग ऑन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं। लेट्स लर्न हाउ टू स्विच ऑन अ कंप्यूटर बाय फॉलोइंग दिस स्टेप। तो सीखेंगे हम कि कंप्यूटर कैसे ऑन करते हैं। स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई, सबसे पहले क्या करूँ, स्विच ऑन करूँ, ठीक है। प्रेस द पावर बटन ऑन द सीपीयू कैबिनेट, सबसे पहले यहाँ प्लग से चालू करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, उसके बाद सीपीयू पावर बटन, सीपीयू में एक बटन है वहाँ से ऑन करेंगे। प्रेस द पावर बटन ऑन द मॉनिटर, उसके बाद प्रेस करेंगे मॉनिटर पर, एक पावर बटन होता है देखिए यहाँ पे, उसको प्रेस करेंगे, ठीक है। तो हम 3 स्टेप्स करेंगे। सबसे पहले मेन पावर है, ठीक है, ये स्विच होता है ना, इसको ऑन करने के बाद सीपीयू का बटन ऑन करेंगे, फिर मॉनिटर का पावर बटन। आफ्टर सम टाइम द मॉनिटर विल शो ए स्क्रीन विद स्मॉल पिक्चर्स, थोड़े टाइम के बाद एक मॉनिटर क्या करेगा, मॉनिटर शो करेगा छोटी छोटी पिक्चर्स को इस तरह से। देखिए मॉनिटर है ये डेस्कटॉप, तो इसमें सबसे पहले क्या देखिएगा आपको, डेस्कटॉप ये, फिर आइकन्स, स्टार्ट बटन, ओके। दिस स्क्रीन इज कॉल्ड द डेस्कटॉप, जो ये स्क्रीन है उसको क्या बोलेंगे हम, डेस्कटॉप, एंड द पिक्चर्स आर कॉल्ड आइकॉन्स, और ये जो पिक्चर्स आ रही ना ये, इनको हम क्या बोलेंगे, आइकॉन्स। और यहीं पे क्या है, स्टार्ट बटन। टर्निंग ऑफ अ कंप्यूटर व्हेन वी हैव अ रूम, अब देखिए कंप्यूटर को ऑफ करना, ऑन करना तो सीख लिया हमने, ऑफ करना सीख लिया। व्हेन वी हैव अ रूम वी स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैन, जब हम रूम को छोड़ते हैं तो क्या करते हैं, हम लाइट्स और फैन को ऑफ करते हैं। सिमिलरली व्हेन वी आर डन यूजिंग द कंप्यूटर वी नीड टू शट इट डाउन, उसी तरीके से जब हम कंप्यूटर पे क्या करते हैं, अपना काम कर ले, जब कोई भी काम हम कंप्यूटर पे कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको भी शट डाउन करते हैं। कैसे करते हैं, ऑन द डेस्कटॉप क्लिक द स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन पे जाएंगे, देखिए स्टार्ट बटन ऐसा है। सेकंड स्टेप है क्लिक द पावर आइकन एंड क्लिक शट डाउन, पावर आइकॉन पे क्लिक करेंगे और शट डाउन पे क्लिक करेंगे। द मॉनिटर विल टर्न ऑफ आफ्टर सम टाइम, मॉनिटर क्या होगा, थोड़े टाइम बाद, थोड़ी सी देर बाद शट डाउन हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। प्रेस द पावर बटन ऑन द मॉनिटर टू स्विच इट ऑफ, फिर हम क्या करेंगे, मॉनिटर पे जो पावर बटन है उसको क्या करेंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, और स्विच ऑफ द मेन पावर सप्लाई, और जो मेन पावर सप्लाई है स्विच है वो भी क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। सिटिंग करेक्टली एट अ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर पे हमें कैसे बैठना चाहिए। प्रैक्टिस दीज पॉइंट्स व्हेन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर, जब भी हम कंप्यूटर के सामने बैठे तो हमें ये पॉइंट्स क्या है, इनकी इनको सीखना चाहिए कि कैसे हमको उसके सामने बैठना चाहिए। सीट ऑन अ चेयर विद बैक रेस्ट एंड आर्म रेस्ट, हमें चेयर पे इस तरह से बैठना चाहिए कि हमारी बैक को भी रेस्ट मिले और आर्म, हमारी जो आर्म है उनको भी रेस्ट मिले। मेक श्योर योर फीट टच द फ्लोर, और आपके पैर है वो क्या हो, फर्श से टच होते हुए हो। कीप द मॉनिटर एट आई लेवल, मॉनिटर को आई लेवल पर रखिए, देखिए इस तरह से। अब है सिंपल एक्सरसाइजेज, टेक रेगुलर ब्रेक्स व्हेन यू यूज द कंप्यूटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब आपको बीच में ब्रेक भी लेना चाहिए जब आप लंबे टाइम के लिए कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं। लेट्स परफॉर्म दीज एक्सरसाइजेज ड्यूरिंग आवर ब्रेक्स, तो वो कौन सी एक्सरसाइज है देखिए, मतलब ब्रेक्स लेते हो ना आप तब आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो। प्लेस योर राइट हैंड ऑन योर हिप, रेस द लेफ्ट हैंड अबव योर हेड एंड बेंड योर बॉडी साइडवेज टू द राइट, तो आपके राइट हैंड को कहाँ पे रखो, आपके बैक साइड रखिए, और अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाओ अपने हेड पर,
और उनको क्या करो, बैंड करो बॉडी को साइड से, ठीक है। देखिए इस तरह से इसने अपने हैंड को उठा रखा है ना, बॉडी को बैंड कर रखा है। चेंज द पोजीशन ऑफ हैंड्स एंड रिपीट द एक्सरसाइज। पोजीशन को चेंज करो हैंड की, मतलब राइट हैंड से करो तो अब लेफ्ट को करो और एक्सरसाइज को रिपीट करो। स्लोली टिल्ट योर हेड टू द लेफ्ट एंड देन टू द राइट, और धीरे धीरे आपके सिर को क्या है, लेफ्ट लेफ्ट से राइट करो। स्लोली टर्न योर हेड टू द लेफ्ट एंड देन टू द राइट, ऑल्सो मूव इट अप एंड डाउन। स्लोली धीरे टर्न करो आप ये हेड लेफ्ट एंड देन राइट, और इसको ऊपर नीचे भी क्या करो, मूव करो। रेज योर हैंड्स अबोव योर हेड एंड देन लेट देम फॉल टू योर साइड्स, और अपने हैंड्स को क्या करो, उठाओ ऊपर की तरफ, सिर से ऊपर, और क्या करो उसको नीचे छोड़ दो फिर। ओके स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज करनी चाहिए जब लॉन्ग टाइम के लिए कंप्यूटर वर्क कर रहे हो, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी बॉडी पैन नहीं करेगी और हमें अच्छा फील होगा, टायर्ड फील नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, रीड दिस चैप्टर, फर्दर एक्सरसाइज विल बी सेंड।